दूसरा बंदा था मेरे साथ, उसको भी लगी है यार बहुत ज्यादा। दूसरा बंदा ना उसी की बूंद में गिरा था, अगर तुम चला रहे होते ना तो तुम नहीं करते। और उसको टांग में लगी है यार, टूट गई है। अच्छी बात है ना भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आपको तो पता ही है कि क्या सीन चल रहा है मेरी लाइफ में एंड अभी तक क्या क्या हुआ है। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था, ना ही मैं कर रहा हूँ, बट अपने पॉइंट्स रखना मेरा फ़र्ज है। तो लोग उस पर क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। एंड मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा। तो गाइस, पहले बात स्टार्ट करते हैं कि लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि फहीम भाई आपकी गलती नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आमिर भाई की गलती नहीं है। नहीं पता आप किस बिहाफ पे जज कर रहे हो, बट जितना मेरे को लगता है कि भाई आमिर की गलती है, अभी आगे क्लियर कर दूंगा आपको सारी। और दूसरी बात रही, दानू को प्लीज हेट मत दो। मैंने उसका व्लॉग भी चेक किया था, तो उसने कहा था कि मुझे कमेंट कर रहे हैं कि फहीम भाई को धोखा दिया की बात। तो प्लीज मेरी तरफ से कोई भी दानू को हेट मत दो, मुझे दानू पे गुस्सा है, क्योंकि मतलब मैंने उसको एज ए बच्चा ट्रीट किया, अपना छोटा भाई ट्रीट किया। वो मेरे से 2-3 साल छोटा होगा, 18-19 साल का अभी। तो मैंने उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह प्यार किया। एंड ये बात उसको भी अच्छे से पता है, उसके पेरेंट्स को भी अच्छे से पता है। मतलब मेरे को उसके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स में कोई फर्क नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता। मुझे गिला शिकवा है, ऑब्वियस बात है। अगर वो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपने आप को मेरी जगह रख के देखें, और मतलब मैं मेरी जगह दानू को रख के देखें, और मेरे माँ बाप की जगह अपने आप को रख के देखें, और फिर मैं ऐसा कुछ करता तो उनको भी बुरा लगता। ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब नेचुरल बात है कि यार मैं बीच रास्ते में खज्जल हो चुका हूँ इस वक्त, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, जबकि मुझे पता है मेरी गलती नहीं है। उनको भी अच्छे से पता है कि मेरी गलती नहीं है और उनकी भी गलती नहीं है, बट उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब वो आमिर के खिलाफ कुछ भी उल्टा नहीं कह रहे, तो वो उनका पर्सनल डिसीजन है, बट मेरा पर्सनल डिसीजन है। मैं अपने हक में बोलना जानता हूँ और मैं बोलूँगा। तो मेरी तरफ से दानू को कोई भी हेट मत देना, उसका और मेरा मैटर है, तो वो हम आपस में देख लेंगे, बट आप लोग उसको कोई भी हेट मत देना मेरी साइड से। रही वाइल्ड वुल्फ की बात, वाइल्ड वुल्फ ने अपने ब्लॉग में कहा है कि फहीम आमिर के साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहा था और आगे जाके फिर क्रैश हो गया, तो इसमें आमिर की कोई गलती नहीं है और मैं राइट टर्न किया। वो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लिप दिखा के और टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। और दुख अभी इसमें एक ही बात का है कि दानू ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ भी किया, उसकी मर्जी, उसकी फैमिली का डिसीजन है, कुछ भी किया, मुझे बुरा लगा उस बात का। बट कम से कम दानू को भाई होने के नाते उसको इतना तो वो करना चाहिए था कि जब वाइल्ड वुल्फ अपने व्लॉग में वो कह रहा है कि फहीम ने रेस लगाने की कोशिश की, दानू को अच्छे से पता है कि उसको और मेरे को, हम दोनों को नहीं पता था कि आमिर की गाड़ी वहाँ पर है। मैं मुसलमान हूँ एंड मेरे लिए सबसे सबसे अफजल और सबसे बड़ी चीज़ है कुरान। मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा का चेहरा ना देखूँ अगर मेरे को पता हो कि वहाँ पे आमिर की गाड़ी है। आमिर उसमें, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना मैंने गाड़ी को नोटिस किया था, मैं अपने मज़े में जा रहा था। और दानू को भी नहीं पता था, जितना मुझे पता है दानू को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। बट दानू का फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे ये बात बोलना, चाहे वो आमिर के खिलाफ गवाही दे या ना दे, बट इतना तो उसका फ़र्ज़ बनता था बोलना कि फहीम भाई को नहीं पता था और ना ही कोई रेस लगी थी, बट दानू ने इस पर कुछ नहीं बोला। चलो उस बात को भी साइड रखो। रही वाइल्ड वुल्फ की बात, उसको मैं अभी आगे इसमें सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो वो अपने ही थ्योरी लगा के बना रहा है कि रेस लगाने की कोशिश की, गियर डाउन किया, फिर ये किया वो किया, तो भाई अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग में भी बात पड़ जाए कि गलती किसकी है। सो गाइज, मैं अभी फुल क्लिप एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने क्रैश की, कि जो वाइल्ड वुल्फ वगैरह कह रहे हैं ना कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो मतलब अपनी थ्योरी लगा रहे हैं, वो चीज़ फुल क्लिप एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई कोई रेस नहीं लगाई थी, क्या हुआ सारा सीन। सो गाइज, मुझे क्या पता आगे आमिर माजिद की गाड़ी होगी। अब ये कह रहो आमिर माजिद यहाँ से उस साइड हुआ, जो कि मैंने नोटिस नहीं किया था। भाई ऑब्वियसली बात है, हम रोड पे चल रहे हैं, मुझे क्या पता कोई किसकी गाड़ी है क्या है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे एक ऑटो है, वहाँ पे बाइक वाला है, एंड यहाँ पे ये है। मैंने यहाँ से क्या बोलते हैं स्पीड ली और आगे निकल गया। मुझे बताओ, रेस लगाता है बंदा उसके साथ जिसको पता हो दोनों रेस लगाने वाले हैं, जब वो गाड़ी की तरफ देखा ही नहीं, गाड़ी में कौन है क्या है। अगर मैंने गाड़ी की तरफ देखा होता तो मेरे गोप्रो में आता। आप चेक करो, मैं सीधा आगे निकल गया हूँ। सुबह ये चेक करो, मैं सीधा आगे निकल गया, दो बंदों को पास किया, आगे जा रहा हूँ, इसी रोड पर जा रहा हूँ। अब मैं इस साइड हो गया, और गाइज यहाँ पे खड्डा भी था और गाड़ी भी। यहाँ से मैं कुछ जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ये आपको दिख रही होगी गाइज। गाइज जो बंदा मुझे मतलब एक पपलू है जो मुझे कह रहा था कि भाई इसने लेन शिफ्ट की है, लेफ्ट साइड तो रह सकता था। पहली बात तो लेफ्ट साइड से यहाँ से गाड़ी आई, और दूसरी बात ये सिंगल वे है, कोई मतलब कि डबल वे नहीं है कि भाई वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ इसी साइड से चल रही है। और दूसरी बात, इंडिया में लेन शिफ्टिंग अलाउड है, हम इस लेन से उस लाइन जा सकते हैं। तो पहली बात अपने फैक्ट्स क्लियर कर लो, और क्योंकि ये रॉन्ग साइड से आ रही है। अब मैं जूम आउट करता हूँ, तो दो चीज़ें हैं, एक तो इतना बड़ा गड्ढा था इसलिए मैं इस साइड हुआ, दूसरी गाड़ी वहाँ से रॉन्ग साइड से आ रही थी। ये देखो, ये गई यहाँ से गाड़ी,
सो गाइस अब मैं उस साइड क्यों नहीं गया लेन शिफ्ट करने, आप देख सकते हो अभी तक कितने सारे गड्ढे आ चुके हैं और यहाँ से कंटिन्यूअसली गड्ढे, अभी आपने देखा होगा यहाँ से कितने सारे गड्ढे थे। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आप ध्यान से देख रहे हैं, मैं इस लेन में चल रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो है, मैं हल्का सा इधर जाऊंगा फिर वापस उस साइड आऊंगा। अब जब मैं उधर आऊंगा मतलब अब जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया लगभग ये 700-800 मीटर का है, और 700-800 मीटर पीछे से आमिर मस्जिद आके हिट कर गया है। अब मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं वो दिखाता हूँ, मुझे इस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा उस तरफ टर्न हुए इसलिए गाड़ी ठुक गई। पहली बात तो ये, आप यहाँ पे देख सकते हो इस साइड से रोड बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैं लेफ्ट साइड रह के बाइक चला नहीं सकता था। खाली यहाँ पे हर एक बंदा जो भी यहाँ पे बाइक चलाता है, हर एक बंदे को पता है कि लेफ्ट साइड से रोड बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, हर एक बंदा राइट साइड ही चलता है। अब मैं यहाँ पे चल रहा था और यहाँ पे देखो आगे आपको यहाँ पे गड्ढा दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक तो पहला गड्ढा था, दूसरी चीज यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कर्व है गाइज, मैं इसलिए बाइक हल्की सी कर्व कर रहा था, एक तो गड्ढे से निकल के उस साइड चला जाऊं, तो अब मुझे पीछे क्या पता कि कौन बंदा आ रहा है। चलो अगर आमिर की गलती नहीं है, आमिर पीछे से मुझे बताओ पहले तीन गाड़ियां क्रॉस करके आया, तो आमिर ने भी तो लेन इधर उधर चेंज की होगी, तब जाके आमिर क्रॉस करके आया, पीछे बाइक थी फिर ट्रक था उसके बाद फिर आगे ऑटो था, आमिर ने भी तो मतलब गाड़ियां इधर अपनी गाड़ी इधर उधर की होगी ना, लेन चेंज की होगी। आपसे मुझे कह रहे तूने लेन चेंज कभी छोड़ो, यहाँ पे कर्व है, मैं कर्व में हुआ, आमिर ने कोई हॉर्न नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, ना ही कोई ब्रेक अप्लाई की, अगर ब्रेक अप्लाई की होती गाड़ी थोड़ी तो स्लो होती। अगर मुझे बताओ आमिर की गलती नहीं है, कुछ नहीं है, आमिर ने ना ब्रेक अप्लाई की ना ही कोई हॉर्न दिया, आमिर को तो दिख रहा था ना मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा था कि आमिर पीछे है, बट आमिर को दिख रहा था कि मैं आगे हूँ। अगर आमिर की कोई भी गलती नहीं थी तो आमिर पीछे से हॉर्न दे देता, ताकि मैं हल्का सा ही कर मतलब हल्का सा ही इस तरफ मुड़ा था, मैं उस तरफ मुड़ लेता भाई, बट उसने कोई हॉर्न नहीं दिया तो क्रैश हो गया। अब अगर क्रैश हुआ, चलो मानता हूँ मैं अभी भी उसकी कोई गलती नहीं है, भाई रुक जाता, बात कर लेता, बोलता कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, गलती से हो गया, तो तब भी बात खत्म होती, बट उसने वो भी नहीं बोला। तो अब आप मुझे बताओ मेरी कहाँ पे गलती है, मैंने हर एक चीज को टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया, सारी क्लिप दिखा दी एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया हर एक चीज। अब मैं ये भी नहीं, मुझे ना तो मतलब आमिर से कोई कंपनसेशन चाहिए, ना ही तो मुझे उससे कोई पैसा चाहिए, मुझे किसी चीज़ की मतलब लालच नहीं है, ना ही उससे कोई फेम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितना फेम है मेरे लिए काफ़ी है, मुझे पता है अपने दम पे ग्रो कैसे करते हैं, वो मैं कर लूँगा। बाकी लोग कमेंट में ये भी कह रहे थे कि भाई आप आमिर मस्जिद को ये इसलिए कर रहे हो, पीछे पड़ गए हो कि आपको फेम चाहिए। यार मुझे एक चीज़ आप बताओ, अभी भगत भाई हैं अपने, उन्होंने आमिर को कितना सपोर्ट किया, आप सबको पता ही, जब यूकी से कॉन्ट्रोवर्सी थी तो भगत भाई ने अभी आमिर पे एक डिस्ट्रैक निकाला है, जिस पे उन पे एक लाइन है, वो आपने सुन ली होगी, उन्होंने नहीं सुनी होगी तो भगत भाई के उस पे सुन लेना। बाकी गाइस सोचो हर एक बंदा क्यों आमिर को उल्टा सीधा कह रहा है, जब भाई जहाँ बंदे की गलती होगी उसी को है। मुझे क्यों नहीं हर एक बंदा उल्टा सीधा कहता, या जम्मू में जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं, चाहे अलियान भाई हो गए, जानू भाई हो गए, मानी कतरी भाई हो गए, या बाकी और भी बहुत सारे हैं, तो आप मुझे बताओ उन सबको कोई उल्टा सीधा क्यों नहीं कहता, उन सबके साथ कोई ऐसे सीन क्यों नहीं होते, क्यों नहीं कहते उनको, क्योंकि भाई वो ऐसा कुछ करते नहीं है। हर बार आमिर को ही क्यों कहा जाता, पहले मैं भी सोचता था कि यार आमिर के साथ गलत होता है, आमिर को बार बार क्यों पोक करते हैं, बट जब अब मेरे साथ हुआ तब मुझे पता लगा नहीं भाई गलती है कहीं ना कहीं उस बंदे की, मेरे को ये नहीं है भाई। अगर वो बंदा वहाँ मतलब क्रैश के बाद रुक गया होता और उसने ये कह दिया होता कि फहीम यार गलती हो गई, गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, तो मैं कुछ भी नहीं कहता, बात वहीं खत्म कर देता ना, बात इतनी आगे बढ़ती, बट वो जो वहां से भागा वो गलत है भाई। सोचो पीछे से कोई और गाड़ी होती, वो हम पे चढ़ जाती, हमारी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती, हम लोग क्या कर लेते, मेरे घर वाले क्या करते। अभी मेरे घर पे तो एक टाइप का मातम ही छा गया था कि मतलब मैं बाल बाल बच्चा हूँ, दानू बाल बाल बच्चा है, बट उसने ये बात नहीं सोची। अब उसने क्या सोचा कि कॉम्प्रोमाइज करता हूँ एक बंदे से, बात खत्म हो जाएगी। मैंने बात खत्म भी कर दी थी, मैंने कल बोला कि मैं कोई केस नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बट कल जब वाइल्ड वुल्फ का ब्लॉग देखा मैंने, उसने अपने ब्लॉग में कहा कि फहीम की गलती है, फहीम रेस लगाने की कोशिश कर रहा था, ये वो, तो मुझे उस बात पे गुस्सा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरी कल ही बात खत्म हो गई थी, मैं इस पे कोई भी मतलब क्लेरिफिकेशन और नहीं देने वाला था। बट ये चीज़ गलत है यार, अगर तुम्हें पूरी बात पता है, तुम्हें सच का पता है, फिर तुम उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, किसी बंदे की साइड दे रहे हो कुछ व्यूज़ के लिए, तो वो चीज़ गलत है। हाँ अगर मैं अगर वाइल्ड वुल्फ ये कहता है ना कि नहीं आमिर उसका भाई जैसा है, आमिर उसका दोस्त है सगा, तो उसकी सपोर्ट में बोल रहा है, तो भाई मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं कहता हाँ उसका भाई है, उसका दोस्त है, उसका फ़र्ज़ बनता है उसको डिफेंड करना, चाहे आमिर गलत भी हो। बट वही बंदा परसों आमिर को गालियां देके कह रहा था कि वो अगस्ते वाले केस में भी भाग गया और अभी भी भाग गया, तुम उस पर केस करो, बट उसके पास बहुत पैसा है साले के पास, तो वो केस जीत जाएगा, तो वो चीज़ गलत है ना भाई। एक तरफ से तुम उसको गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ से तुम उसको फिर डिफेंड कर रहे हो कुछ व्यूज़ के लिए, तो वो तो तुम फिर गलत कर रहे हो ना। इसलिए मुझे ना तो कोई पर्सनली ना कोई मुझे वाइल्ड वुल्फ से कोई हेट है, ना मुझे कोई आमिर से हेट है, ना मुझे कोई दानू से हेट है। मुझे जम्मू में यार हर ब्लॉगर के साथ मेरी बनती है, हर ब्लॉगर के साथ मेरा उठना बैठना है, सब ने मेरे को फ़ोन किया, सब ने हाल चाल पूछे भाई, मेरा मतलब मेरा अभी तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एक अकेला मैं आमिर के लिए क्यों बोलूँगा, क्योंकि उसकी गलती है।
बट अगर वो उस वक्त क्लियर कर लेता तो ये बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, और जो आमिर के फैंस हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा, तुम आमिर को सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ बंदे ये कह रहे हैं कि भाई मतलब तू मरा नहीं है या मर जाता या आमिर तुझे पैसे खिला देगा, तो भाई मुझे तुम एक बात बोलो, तुम्हारे अपनी फैमिली में से कोई बंदा होता, तुम्हारा भाई होता और ये सीन हुआ होता तब भी तुम यही बात बोलते? तो इतना ही कहूँगा, तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो अच्छी बात है, तुम उसके फ़ैन हो अच्छी बात है, तुम उसको सपोर्ट करो, मैं भी चाहता हूँ करो भाई, मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करेंगे, तुम उसके फ़ैन हो उसको सपोर्ट करो, बट कहाँ सही है बंदा कहाँ गलत है वो चीज़ देख के सपोर्ट करो, ऐसे ही मतलब कुछ भी मत करो। गाइस ये व्लॉग इतना सही था,